The coefficient of static friction mu between the block of mass 2 kg, here are 2 kg, and the table as shown in the figure is mu 0.2. Okay, what would be the maximum mass value of block B? Okay, so that two block do not move. तो maximum mass calculate करना है जिसके लिए ये जो 2 kg का जो mass है वो move ना करें. तो string and pulley आ रहा है, ठीक, सब कुछ जो दे रखा है एंड जो string है ये massless है. ठीक, solve करते हैं. सबसे पहले तो हम जो ब्लॉक जो सिस्टम है अपना उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. तो जैसे ही फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ये ब्लॉक ए है, 2 केजी का है, ये स्ट्रिंग से बांधा हुआ है, ये पुली. यहाँ पे एक दूसरा ब्लॉक बी जिसका मास हमें कैलकुलेट करना है. ठीक, ये है ब्लॉक बी जिसका मास हमें कैलकुलेट करना है. ओके, स्ट्रिंग इस रस्सी में जो स्ट्रिंग है इसमें मैंने माना टेंशन टी है, तो इसमें आगे की ओर लगेगा टेंशन एंड इसमें ऊपर की ओर लगेगा. ओके, जो ब्लॉक बी है उसका मास मैंने एम एज्यूम किया, तो एम जी नीचे की ओर लगेगा, टी ऊपर की ओर लगेगा. अगर यहाँ और यहाँ गिवन है म्यू इक्वल 0.2, तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स पीछे की साइड लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स मैंने एम इंटू ए माना. ठीक है, हम जानते हैं कि एफ नेट इक्वल एम ए होता है. तो सबसे पहले जो ब्लॉक ए है उस पर फोर्स देखते हैं, और इस पर जो नॉर्मल फोर्स होगा वो ऊपर की ओर लगेगा. ठीक, तो ब्लॉक ए पे बनाते हैं, ये ब्लॉक ए है मेरा, इस पर टेंशन इधर लग रहा है आगे की साइड, फ्रिक्शन पीछे की ओर लग रहा है, नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर, और एम जी जो कि 2g हो जाएगा वो नीचे की ओर है. ओके, एंड बी वाला जो ब्लॉक है मेरे पास, ये ब्लॉक बी है, ये ब्लॉक ए था मेरे पास और ये ब्लॉक बी है, इसमें एम जी नीचे की ओर एंड टी ऊपर की ओर. ठीक, अगर ये सिस्टम जो दोनों मास हैं ये मूव ना करें, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो ये टी है वो फ्रिक्शन के इक्वल होगा, एंड ये टी है वो एम जी के इक्वल होना चाहिए. अगर ये एम जी टी से ज़्यादा हो गया तो ये सिस्टम है आगे मूव कर जाएगा, या फिर ये टी इस फ्रिक्शन से आगे हो गया तो ये वाला ब्लॉक आगे मूव करेगा. जैसे ही मूव करेगा तो दोनों ब्लॉक में क्या होगा, एक्सेलरेशन आएगी. तो इसलिए अपने आप क्या होना चाहिए कि ये जो टी है, ये वाला टी, वो एम जी के इक्वल होना चाहिए. इसका मीनिंग फर्स्ट केस अगर मैं लिखूँ कि ये जो टी है वो फ्रिक्शन के इक्वल होना चाहिए, जो ए वाला ब्लॉक है अपना, ए वाले ब्लॉक से लिखा कि ये जो टी वो फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एम जी, म्यू इंटू एन, और एन इक्वल कितना है एम जी यानी कि 2g. तो ये अपना टी, तो टी की वैल्यू आ गई 2, म्यू की वैल्यू है 0.002 एंड इसकी जो जी की वैल्यू है वो 10, तो ये 0 से कैंसिल आउट हो गया, टी की वैल्यू आ गई 4 न्यूटन. ओके, ये ब्लॉक ए. जैसे ही ब्लॉक बी में देखते हैं तो ब्लॉक बी में टी इक्वल एम जी के इक्वल है, और टी की वैल्यू आ गई अपने पास 4 न्यूटन. तो यहाँ से ये एम इंटू जी है 10, तो यहाँ से एम की वैल्यू आ जाएगी 0.4 kg. यानी जो ब्लॉक बी है अगर उसका मास 0.4 kg तक हो, तब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा, ये मूव नहीं करेगा. इसका मीनिंग अपने जो आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा.